सऊदी वजीर खारजा ने फिलिस्तीन का मसला हल होने तक इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर न लाने का ऐलान किया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे को दिए गए इंटरव्यू में सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि फलस्तीन का मसला हल किए बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली की बात नहीं हो सकती। सऊदी वजीर खारजा ने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली का मामला वाहिद रास्ता है जिसमें हम फलस्तीन के लिए फ़ायदा हासिल करें, क्योंकि फलस्तीन के मसले को हल करने के लिए हमें इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इस्तेहकाम के जरिए ही ये मसला हल हो सकता है। फैसल बिन फरहान का कहना था कि गजा में जारी तसादुम में कमी और आम शहरियों की अमवात को रोकना सऊदी अरब के लिए सबसे अहम है। हम देख रहे हैं कि इसराइल गजा और वहां की सिविलियन आबादी को कुचल रहा है जो मुकम्मल तौर पर गैर जरूरी है। यह मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है जिसे रोकना है। दूसरी जानिब गजा की वजारत सेहत का बताना है कि इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 25,000 से जायद हो चुकी है जिनमें ज्यादातर बच्चे और ख्वातीन शामिल हैं, जबकि 62,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी हैं।